ये जो आप देख रहे हैं ये चितावर का पौधा है, इसमें ये सफ़ेद फूल लगते हैं, ये चांदनी के फूल जैसे दिखते हैं। चांदनी का फूल बड़ा होता है, ये छोटा होता है, इसको चितावर का पेड़ कहते हैं। इसके पत्ते कड़ुआ चिरायता जैसे होते हैं। इसका ये बड़े फूल, ये फूल देखो आप, ये सब फूल चितावर के हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है, डगना पकड़, तुम्हें बताऊं तेरी फोटो है। ये चितावर के फूल हैं, इनको कई लोग ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए हैं, पौधा है, समझ में नहीं आता कि चितावर का पौधा कौन सा होता है, क्या होता है। ये चितावर के फूल हैं, वैज्ञानिक भाषा में कहें तो इसमें एक तेजाब जैसा तत्व होता है जो लोहे को गलाने की ताकत रखता है। ये वैसे ठंडे प्रांतों में अधिकतर होता है, लेकिन संयोग बस आज ये मेरे बगीचे में तैयार हो गया है। ये दुर्लभ जड़ी बूटी है, पातालकोट से लाई गई थी, जिसको कहते हैं बाज अपने घोंसले में पक्षी का लोहे की रिंग तोड़ने के लिए उपयोग करता है। पानी में डालते हैं तो इसकी लकड़ी उल्टी चलती है। ये देखिए कितना बड़ा पौधा है चितावर का। कई लोगों ने अभी चितावर का पौधा नहीं देखा है, इसलिए इसको दिखाना मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों को पता हो कि चितावर का पौधा होता कैसे है। इसके पत्ते को देखिए आप ध्यान से, आपने कई जगह देखा होगा लेकिन मालूम ना होने के कारण समझ में नहीं आता कि ये चितावर का पौधा है। ये बहुत दुर्लभ जड़ी बूटी है। ये सफ़ेद चितावर है। चितावर में ऐसे तीन प्रकार के होते हैं, एक नीले कलर का फूल होता है और एक लाल कलर का होता है और एक सफ़ेद, तो ये सफ़ेद वाला चितावर है। चितावर तो चितावर ही होता है, नीला हो लाल हो या काला हो, सब अपनी अपनी जगह अपने अपने धर्म गुण के अनुसार अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और प्रभाव दिखाते हैं। जिसके पास चितावर होता है वो मरे हुए आदमी को भी जिंदा कर सकता है। बस ये है कि इसको विधि विधान से सिद्ध किया हूँ, नहीं तो नॉर्मल पौधा तो है। इसके फल देखिए, ये छोटे छोटे फल लगते हैं इसमें, जिसके ऊपर ये फूल लगते हैं। ये